हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे शंकर महादेवन 30 मिनट्स नॉन स्टॉप लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस एट सदगुरुज महाशिवरात्रि 2024। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे परे कितनी दुनिया है, दुनिया देखिए कब पीछे तक। लाखों लोग कितने सुर में गाते हैं मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, अरे वाह। वाह, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अरे जिंदगी में और क्या चाहिए कि गाना गाने मिले और सतगुरु नाचे।
क्या तमिल क्या आगे नहीं बता शंभो। अरे वाह ओ ये वो है कोई एक्ट्रेस है भी रिसेंटली आई है मूवियों में तमिल में होगा ना वो शिव जी का जो बनाया ना बहुत ही सुंदर लगता है ये है कहाँ पे इनका पता है मैं भूल गई पता नहीं कहाँ पर है बहुत डिमांड आया है टू डू पॉपुलर हिंदी सॉन्ग कौन सा पॉपुलर हिंदी सॉन्ग सही है सतगुरु विद योर परमिशन बिकॉज़ दिस इज अ मैन हु इज अहेड ऑफ थॉट्स एंड इज वे अहेड ऑफ टाइम हु इज गिवन अस परमिशन टू डू बिकॉज़ दिस इज अ नाइट टू रिमेंबर दिस इज अ सॉन्ग व्हिच माय सन सिद्धार्थ इज सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म शिव बेटा है भाग मिल्खा भाग शिव जी के भाग मिल्खा भाग कौन सा गाना गा रहे हैं शिव जी का वचन तो नहीं है होगा नहीं मुझे तो नहीं पता कौन सा बेटा था वो बेटे ने गाया था ये शिव जी का नहीं है बंद कर दिया ये है ना बेटा उसी को कह रहे थे बेटा बेटा भी गाना गाता है इसका मतलब सिंग किया था कि लिखा हुआ बोल रहे थे sang the song copyright gaya sir music at time but dekho kitni duniya aayi aur pure jhoom rahe magn ho gaye hain log भगवान शिव जी भगवान जी से रिलेटेड है ही नहीं तो वो क्यों गा रहे हैं सिर्फ भगवान जी के शिव जी भगवान जी के भजन गाने चाहिए बताओ भैया क्यों गा रहे हैं क्या रीजन है सद्गुरु ने परमिशन दी है बोल रहे हैं अच्छा उन्होंने कहा है कि सद्गुरु जी ने परमिशन दी थी इसे सॉन्ग करने की इतना जोश आ रहा होगा क्राउड का देख के कि कितना वो उनसे वो रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा मिल रहा है सब जो झूम रहे हैं बहुत ही मजा आया यार खासकर जब उन्होंने शिव जी के गाने गाए हैं ना भजन जो थे वो मुझे सबसे ज्यादा मजा आया वो भाग मिल्खा भाग वाला का मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस दिन तो सारे भगवान जी के ही गाने होने चाहिए शिवा जो तांडवा स्रोतम है ये पहले एक लेडी ने गाया था बड़ी जबरदस्त ट्यून में
उसके बाद इनका भी आया था। तो नॉर्मली देखे जहाँ तक हम पहले सुनते थे तो पहले जो है सबसे शिवा तांडवा जो आया था वो एक लेडी ने गाया था, बड़ा जबरदस्त गाया था। उसके बाद जो है इनका भी आया था इन सिमिलर फॉर्मेट विच इज ग्रेट। पता नहीं कि आपस में दोनों रिलेटेड नहीं, आई डोंट नो, बट फिर उनका जो है काफी पॉपुलर रहा विच इज वेरी नाइस। और की सॉन्ग है जो महाशिवरात्रि में गाना ही चाहिए था, वेरी गुड, जो बहुत ही मजा आया। और आप देखिए कितनी ऑडियंस आई थी, पूरा भरा हुआ था, इट वॉज गोइंग टिल द एंड। और बहुत अच्छा इन्होंने शिव जी का पूरी बना रखी है, ह्यूज मॉन्यूमेंट बना रखा है अपने जो भी जहाँ इनका आश्रम है, बट इज लुकिंग वेरी बहुत सुंदर था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज लग रहा था, जैसे पूरा लोगों को इतनी भीड़ जो है वो आ सकती है, उसको अकोमोडेट करना ही इटसेल्फ इतना टफ होता है। वो पूरी भीड़ जो इतनी आई है, इतनी दुनिया आई है, और जो दुनिया आई है वो जैसे मग्न हो के मतलब इतना एंजॉय कर रही है, सच्ची में फील आ रही थी महाशिवरात्रि की, सच्ची बता रही हूँ मैं। जो वहां जाएगा ना उसको फील आएगी कि भैया वाह क्या ये महाशिवरात्रि ऐसे मनती है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।